नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सोने के पत्ते। एक गांव में एक पत्नी अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र का नाम नारायण था। माँ बेटे दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था। नारायण का रोज का एक अटूट नियम था, काम पर जाने से पहले वह पेड़ को एक दो लोटे पानी अवश्य देता था। बचपन से ही उसे पेड़ों से बहुत लगाव था। एक बार नारायण बीमार पड़ा। कई दिन बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर पेड़ को पानी देना न छोड़ा। एक दिन नारायण पेड़ को पानी देने लगा तो पेड़ ने कहा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई वर मांग। नारायण बोला, हे वृक्षदेव, मैंने तो केवल अपना फर्ज ही निभाया है। हम तो पहले से ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ मुझे एक ही तो शिक्षा दी है कि पेड़ मनुष्य के सच्चे साथी हैं। शुद्ध वायु, छाया और फल तो देते ही हैं, इसके अलावा मनुष्य के जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। वृक्षदेव नहीं माने। उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया तो नारायण बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे पत्ते ले जाने की आज्ञा दीजिए, सफाई भी हो जाया करेगी। नारायण पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उसे ढेर लगा दिया। उसने सोचा कि पत्ते जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो बूढ़ी माँ का बिछौना उस पर बिछो दूंगा, नरम रहेगा। पर तब माँ बेटे के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पत्तों का रंग बदलते देखा। सुबह तक वे पीली धातु में बदलकर चमक रहे थे। नारायण बोला कि कहीं यह सोने के तो नहीं बन गए। माँ उन पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते देखकर चौंका। जांचा तो उसने खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, यह तो पीपल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया क्या जाने छल, वह बेचारी उन्हें पीतल का ही मानकर कुछ राशन ले आई। अब रोज दिन यही होने लगा। नारायण पत्ते इकट्ठे कर लाता, वह सुबह तक सोने के पत्तों में बदल जाते और बुढ़िया माँ जाकर उससे राशन ले आती। एक दिन बनिए के दिल में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया के पास सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। उसने नारायण का पीछा किया और सारा माजरा जान लिया। दूसरे दिन जब नारायण और बुढ़िया काम पर चले गए तो उसने जाकर दो तीन पत्ते उठा लिया। बाकी पत्तों को नारायण पहले ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े। कई पत्तों में लगी टहनियाँ भी तोड़ डालीं। इस प्रकार वह बोरी भरकर ले आया और अपने कमरे में ढेर लगाकर उनके सोने में बदलने का इंतजार करने लगा। पर वह पत्तियाँ और टहनियाँ सोने की नहीं बनी, वे तो कुछ और ही रूप धारण करने लगीं। पत्तियाँ बिच्छुओं में बदल गईं और टहनियाँ काले सांपों में। बनिया भयभीत होकर बाहर भागा, उसके पीछे बाकी सांपों की टोलियाँ। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुँचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, वृक्ष देवता ने कहा, दोस्त यह सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक लगे रहेंगे जब तक कि नारायण की माँ से जितने सोने के पत्ते लिए हैं उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाता। बनिया दौड़ता हुआ लौटा। उसने सोने के पत्ते बेचकर जितने पैसे कमाए थे वे ले जाकर नारायण के माँ को सौंप दिया और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। नारायण ने उस धन से जमीन खरीदी और उसमें पेड़ लगाए। पेड़ों के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया। कई वर्ष बाद पड़ोस के राज्य में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं। नारायण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह लोगों से पहले ही कहा करता था कि पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ेगा। पड़ोसी राजा ने नारायण को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया और उससे सलाह मांगी। नारायण ने राजा को परामर्श दिया, राजा आपके राज्य में पेड़ों को काटा गया है,
वनों का सफाया कर दिया गया है। यही तो सूखे का कारण है। पेड़ ही तो बादलों से वर्षा करवाती हैं। फिर से वन लगवाइए। याद रखिए, पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। पेड़ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं। बचपन से लकड़ी का पालना बनकर हमें सुलाता है, फिर गीली डंडा बन हमें खिलाता है। लकड़ी की तख्ती बनकर हमें लिखना पढ़ना सिखाता है। विवाह मंडल की अग्नि बनकर फेरे डलवाकर गृहस्थ जीवन का आरंभ करवाता है। चकला बेलन बन हमें रोटी खिलाता है। बीमार पड़ने पर हमें खाट बनकर संभालता है। बुढ़ापे में लाठी बनकर हमें सहारा देता है। मृत्यु होने पर दो डंडे बन लादकर शमशान घाट ले जाता है और चिंता बनकर हमारी अंतिम क्रिया करता है। नारायण की बात सुन राजा की आंखें खुल गईं। उसने अपने राज में पेड़ लगवाए, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर से वह राज एक सुखी राज बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।